मैं पिछले दो दिन से गुजरात में ही था, बल्कि अब ढाई दिन से, और वहीं से होकर आ रहा हूं। अमित शाह ने जो कहा अभी गुजरात के गांवों के बारे में, मैं नेशनल हाईवेज के बाजू में लगे गांवों में गया, मैं स्टेट हाईवेज के बाजू में लगे गांवों में गया, अंदर तक 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर तक के अंदर के गांवों में गया, और वहां का सच और जो पिछले एक साल से बताया जा रहा है गुजरात के डेवलपमेंट का सच, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सड़कें, मैंने लोगों से पूछा है कब बनी थी, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 12 साल में गुजरात को इधर से उधर कर दिया है। गुजरात सड़कों में 20-25 सालों से आगे था कनेक्टिविटी में। स्कूल चार कमरे बन गए हैं, लेकिन क्या चार कमरों को स्कूल कहते हैं या वहां पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिटी, उनकी सुविधाएं, और वहां जो कुछ पढ़ाया जा रहा है और वहां से जो अल्टीमेटली आउटपुट निकलेगा 12 साल के उसके बाद, उसको भी स्कूल कहते हैं? वो भी तो स्कूल है। मैं कई गांवों में गया और मैं नाम लेके बता सकता हूं। आप अहमदाबाद से बाहर निकलिए, महसाणा जिला बहुत नजदीक में है, महसाणा के गांव में गया मैं, कलोल के गांव में गया, कलोल से 20 किलोमीटर दूर के गांव में गया, वहां तक में टॉयलेट्स नहीं है। मैंने पूछा, ये बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, चार कमरे बना के रखे हुए हैं, भैया यहां टॉयलेट्स हैं कि नहीं? टॉयलेट्स नहीं है जी। बच्चियां कहां जाती हैं? वैसे खुले में जाती हैं। मैंने कहा 15 लेडीज टीचर्स वहां पढ़ा रही हैं। मैंने पूछा, लेडीज टीचर्स कैसे टॉयलेट जाती हैं? 8-7 घंटे के लिए नौकरी करने आती हैं। आप मुझे नहीं पता, मैं चैनल पे सब कहूं। वो उन्होंने मुझे बताया, प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि हम वो कोने में जाती हैं और उससे पहले दो टीचर्स को पहले खड़ा कर लेते हैं ताकि कोई उधर आए ना। ये विकास है अमित शाह जी, क्या ये हकीकत है गुजरात में? अच्छा, और बोले जो टीचर्स हैं उनसे मैंने बात की तो पता चला कि 5300 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखे हुए हैं। आप पढ़े लिखे, आप इस देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, सिर्फ गुजरात का नहीं पूरे देश का भविष्य तैयार हो रहा है इन स्कूल्स में। आप 5300 रुपए में एक पढ़े लिखे नौजवान को लाके वहां कॉन्ट्रैक्ट पे 5-5 साल तक उसको 5300 रुपए की नौकरी कराते हो, आप उम्मीद करते हो कि उससे वो भविष्य तैयार करेगा देश का? मैं वाव में एक कॉलेज में गया, बहुत सारे कॉलेजेस में गया, मैं वाव के कॉलेज का आपको बता देता हूं। 618 स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए गुजरात सरकार का डेवलपमेंट का सच मैं आपके सामने बताता हूं। 618 स्टूडेंट्स वहां पे कॉलेज में पढ़ते हैं और वहां पे 2 महीने पहले तक टीचर के नाम पे एक प्रिंसिपल था और कोई नहीं था। वहां के बच्चों ने वहां पे अनशन किया कॉलेज के बाहर बैठ के, तब जाके 2 और टीचर्स की वहां पे भर्ती हुई है। 618 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 टीचर्स हैं। मैंने प्रिंसिपल साहब को सलाम किया, मैंने पूछा आप किस हिम्मत से पढ़ाते हो साहब, किस हिम्मत से पढ़ाते रहे इन बच्चों को? उन्होंने कहा वो सीडीज आती है ना, हम तो सारे क्लासरूम्स में सीडी लगा देते थे। अरे सीडीज से इस देश की हायर एजुकेशन चल रही है क्या? और मैंने पूछा बाकी कॉलेज कहां है? 50 किलोमीटर दूर अगला कॉलेज है, 150 किलोमीटर दूर थी। क्या पढ़ा रहे हैं? आर्ट्स। बच्चे अनशन कर रहे हैं कि साहब हमें कॉमर्स भी पढ़ा दो, उनको 150 किलोमीटर दूर साइंस की एजुकेशन लेने के लिए जाना पड़ता है। क्या ये सच्चाई नहीं है गुजरात की? आप मोदी कहते हैं गुजरात शाइनिंग, पर अमित शाह नहीं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने तो गुजरात की दूसरी तस्वीर देखी। नहीं, जो सिसोदिया जी ने बात करी वो अर्धसत्य है। जहां तक तनख्वाह का सवाल है, हमारे यहाँ एक नीति बनी है कि 4 साल तक एक फिक्स अमाउंट